नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी शराब पर मिल रही 25% की छूट को असीमित करने जा रही है। इससे शराब विक्रेता MRP से नीचे किसी भी कीमत पर शराब बेच सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लेकर फाइल मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेज दी है। फैसले के तहत नई आबकारी नीति में ये प्रावधान किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का मानना है कि जब लाइसेंस धारक एडवांस में शराब बेचने के लिए लाइसेंस फीस दे रहा है तो उसे उसके अनुसार कम दाम पर शराब बेचने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके साथ ही दिल्ली में जल्द ही देर रात तक 3 बजे तक बार में शराब सर्व की जाएगी। आबकारी विभाग ने इस बारे में आदेश जारी करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने गत 2 अप्रैल को निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP पर 25% तक की छूट देने की अनुमति दे दी है। ये छूट 31 मई तक जारी रहेगी। इससे पहले कोरोना से संबंधित दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण आबकारी विभाग ने फरवरी के शुरू में शराब की बिक्री पर दी गई छूट को 28 फरवरी को वापस ले लिया था। उस समय शराब के दुकानदार विदेशी शराब पर भी 50% तक छूट देने लगे थे। वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति 1 जून से लागू होने जा रही है, जिसमें शराब की बिक्री पर असीमित छूट देने का प्रावधान किया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।